ये आज पढ़ाना है। यस ठीक है, मैं इसको भी बता दूंगा सब लोगों को। अब मुझे बताइए एक चीज़ कि मैंने कल आप लोगों को दिया था होमवर्क, कुछ भी नहीं था? हाँ, ये लिखने के लिए दिया था। यस, मैंने आपको ये बोला था कि इसको बैठ के एक बार लिखना है बस। क्या? अच्छा, वाह रे, कैसे कैसे आ जाएगी? आज तुमसे ही पूछूंगा मैं, सबसे पहले सो के दिखा लेना, देख लेंगे। अच्छा, चलिए गाइस, सबसे पहले सब लोग बैठ जाइए फटाफट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गाइस, गुड आफ्टरनून। हाल चाल कैसे तुम लोगों के? क्यों बिगड़े हुए? क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया जो बिगड़े हुए? इनकम टैक्स तो खत्म हो गया ना? अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चालू हो गए तो आप थोड़ा लग रहा होगा कि अरे ये भी था क्या, अच्छा ये भी था क्या, अच्छा इसको भी आना था क्या, ये पढ़ाया तो था लेकिन अच्छा यहाँ पढ़ाया था क्या। वो अब मजा आ रहा होगा ना लिंक करने में टॉपिक्स। बैंड बज रही है? यस, बैंड बज रही है। अब कुछ बच्चों को आ रहे होंगे मजे, कुछ बच्चों की बज रही होगी बैंड। दोनों तरह के बच्चे हैं। ओके गाइस, तो अब मुझे लगता है मुझे कर देना चाहिए स्टार्ट आज का डिस्कशन। और मैं एक बार बता दूं, प्लेस ऑफ सप्लाई में हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम लोगों ने सेक्शन 6 पढ़ा ही नहीं है, ही नहीं, 7 से चालू है। 7 है इंटर, 8 है इंट्रा। 7 क्या बोलता है जल्दी बताओ? कोई भी चीज इंटर कब होगी? जब लॉस और पॉस दोनों एक स्टेट में नहीं है या एक यूटी में नहीं है तो इंटर है, और अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा है। सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट। ओ भाई साहब गलती मत कर देना, CGST नहीं, कौन सा एक्ट है? IGST। CGST एक्ट अपन छोड़ के आ चुके थोड़ी देर के लिए। IGST एक्ट का सेक्शन 7 बोलता है क्या चीज इंटर है और क्या चीज इंट्रा है, और अगर वो इंटर स्टेट है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई और LOS और POS सेम स्टेट में है तो इंटर, अलग अलग स्टेट में है तो इंट्रा।
अब हमने यहां से चालू किया था सेक्शन 9 जो बात करता है पानी में अगर सप्लाई हो रही है, पानी में लोकेशन है तो नियरेस्ट जमीन कहां पे उसे प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा, नियरेस्ट बेस लाइन क्या है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। 10 हम लोगों ने बहुत ही इजीली पढ़ा था, 5 केसेस थे। अगर गुड्स की डिलीवरी हो रही है तो जहाँ पे गुड्स का डिलीवरी टर्मिनेट हो रही है, जहाँ पे गुड्स को मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है वो। सर अगर गुड्स का इंस्टॉलेशन भी नहीं हो रहा है, डिलीवरी भी नहीं हो रही है, आपका गुड्स जहाँ है वहीं है तो फिर जहाँ गुड्स की लोकेशन है वो। अगर गुड्स थर्ड पार्टी के बोलने पे कहीं जा रहे हैं, थर्ड पार्टी का एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक्चुअली आपको याद हो तो एक एमसीक्यू में मैंने बोला था आंसर गलत है, वो सही आंसर था, वो सही आंसर। एक्चुअली उन्होंने नाम ऊपर नीचे लिख दिए हैं, उन्होंने पहले बाद वाली सेल बाद में लिख दी है, पहले वाली सेल बाद में लिखी है, तो वो सही आंसर था। वो जो करेक्ट दिया हुआ है आईसीए का वो सही था, वो गलत नहीं है। आईसीए का एमसीक्यू था सेक्शन 10 के नीचे, वो सही था। जो सही है वही है, मतलब जो आईसीआई ने क्यूआर कोड में दिया ना वही सही है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन में नाम उल्टे दे दिए। फर्स्ट वाले का बाद में नाम दिया है, सेकंड वाले का नाम पहले दे दिए, तो मतलब राहुल और जानवी के बीच की सप्लाई को पहले पूछ लिया है, मेरे और राहुल की सप्लाई को बाद में पूछा है, इसलिए वो आंसर सी सही है। जो इन्होंने दिया है वो परफेक्ट आंसर है, ए सही है। सी मैं बोल रहा था, ए ही सही है, ठीक है। अब अगला, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज एक और कि साहब सेक्शन 10 में हर एक थोड़ी सी आवाज बढ़ा पाओगे क्या? थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो ना, मेरे को ज्यादा ताकत लग रही है इसलिए, और कुछ नहीं, मैं फिर अपने दम कम कर दूंगा ना, बराबर हो जाएगा। ओके अब ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि अगर पांचवा क्लॉज था, अगर कन्वेंस पे कोई सामान लोड हो रहा है, कहाँ जा रहा है सामान? कन्वेंस पे। तो उस केस में हमेशा जहां से कन्वेंस चला है वो, जहां से पैसेंजर चढ़ा है वो, कि जहां से सामान चढ़ा है, ध्यान रखना। गुड्स के केस में क्या लेते हैं? जहां से सामान चढ़ा है। टिकट के केस में लेते हैं जहां से पैसेंजर चढ़ा है, और सर्विसेज के केस में लेते हैं जहां से प्लेन पहली बार स्टार्ट हुआ है। मतलब फ्लाइट में 3 अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। पैसेंजर के टिकट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगी जहां से पैसेंजर चढ़ा है, अंदर यूज हो रहे या बेचे गए गुड्स के लिए होगा जहां से गुड्स चढ़ा है, और अंदर दी गई सर्विसेज के लिए होगा फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर जहां से आपका प्लेन चालू हुआ है। 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए एक ही एयरलाइन कंपनी 3 अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लगाती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने चालू किया था सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, या तो होगा B2B या फिर B2C। अगर B2B है तो हमेशा LOR, और B2C है ट्राई करते हैं LOR, पर LOR नहीं हो तो LOS। अब मैंने बताया था इमुअल प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर हो तो LOR। अब प्रॉपर्टी की लोकेशन में भी ध्यान रखना है, मल्टीपल लोकेशन है तो होटल है तो नाइट स्टे, हाउस बोट है तो टाइम स्पेंड, और अगर और कोई सर्विसेज है तो एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी के रेशियो में हम उसको बांट देंगे। अगर इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी है तो हमेशा LOR लेते हैं, वहां पे फिर प्रॉपर्टी की लोकेशन देखी नहीं जाती है। अगला है ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस, हमेशा जाना है B2B में LOR, B2C में जहां पे परफॉर्मेंस हुआ। सेम क्लॉज लेगा इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, LOR जहां पे इवेंट हुआ, पर ध्यान रखना इवेंट इंडिया के बाहर हुआ तो क्या लेंगे? LOR ही लेंगे। बहुत बढ़िया। ट्रांसपोर्टेशन गुड्स LOR, अगर ट्रांसपोर्टेशन B2C है तो जहां से गुड्स हैंड ओवर किए गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में B2B है तो LOR, B2C है तो जहां से पैसेंजर चढ़ा है उसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन अगर उसने B2C है और उसने अगर कोई वाउचर या कोई पास लिया है फ्यूचर में ट्रैवल करने का तो फिर LOR पे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उस केस में अपन जहां से पैसेंजर चढ़ा है वो निकाल ही नहीं सकते, तो LOR को ही प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल रूल लगा देंगे। LOR और LOR अवेलेबल नहीं है तो LOS ले लेंगे। इंश्योरेंस, हमेशा LOR इन रिकॉर्ड्स होगा तो LOR इन रिकॉर्ड्स ही लेना है हमेशा। अगर कन्वेंस पे सर्विसेज ली जा रही है तो फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ही लेना है हमेशा, B2B B2C के लिए अलग नहीं है, हमेशा क्या लेना है? फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर। रेस्टोरेंट केटरिंग, हमेशा प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस लेना है। एडमिशन टू इवेंट, हमेशा प्लेस ऑफ इवेंट लेना है। अगर इवेंट एक जगह से ज्यादा नहीं, एंट्री टिकट में नहीं, वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में था, एक से ज्यादा हो रहा हो तो नंबर ऑफ इवेंट्स के रेशियो में बांट देना, पर वो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में था, यहाँ पे तो इवेंट कहाँ हो रहा है वही लेना है। अगला था इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन, फिक्स लीज लेन है, D2H है, जहां डिवाइस इंस्टॉल है। अगर आप वाउचर या एजेंट के थ्रू रिचार्ज करा रहे हो तो एजेंट का एड्रेस, कोई और केस है तो जनरल रूल, और अगर ऑनलाइन रिचार्ज करा रहे हो तो फिर उस केस में LOR जो रिकॉर्ड में रहेगा वो यहां पे लेना पड़ेगा।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज एडवर्टीजमेंट. अब ये पढ़ना है हमको यहाँ से, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये अपने को यहाँ से पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो सुनना ध्यान से. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन, सॉरी पॉइंट नंबर 12, और ये जो पॉइंट नंबर 12 है यही अब हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई में पढ़ना बाकी रहा है. क्या है, पहली बात, सिर्फ और सिर्फ कवर किया है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज. मैं प्राइवेट एडवर्टीजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं. अगर आप आज अखबार में इश्तिहार देते हैं या सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट करते हैं, या आप अगर आज रेडियो में एडवर्टीजमेंट करते हैं, टीवी में एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो जनरल रूल ही लगता है. स्पेशल रूल लग रहा है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए. गवर्नमेंट के लिए क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इश्तिहारी गवर्नमेंट देती है. ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब किसी योजना का अखबार में मोदी जी के फोटो के साथ नहीं छपा हुआ हो. और जिस तरीके से शिवराज जी गायब हुए हैं और जिस तरह से उनकी जगह मोहन यादव आ गए, अब हर जगह हर अखबार में बस ये दिखता है शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल गायब और उनकी जगह कौन आ गए, एक तरफ मोदी जी और एक तरफ मोहन यादव जी. बस रोज अखबार में यही दिखेगा आपको, रोज एक ना एक योजना, एक ना एक कोई एडवर्टीजमेंट चलेगा. तगड़ा एडवर्टीजमेंट करती है गवर्नमेंट, जरूरत से ज्यादा करती है, पर ठीक है वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कहीं ना कहीं तो उनको मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टीजमेंट करना है, कर रहे हैं. ठीक है, जागरूकता भी हो रही है, बहुत सारे रीजन है उनके भी अपने. पर हाँ, सरकारी एडवर्टीजमेंट में एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं होगा, पूरे इंडिया के लिए होगा. आज मुझे बताओ, किसी योजना का एडवर्टीजमेंट चल रहा है तो क्या हमारे सिर्फ इंदौर के पब्लिकेशन में छपा होगा कि पूरे इंडिया के पब्लिकेशन में छपा होगा? पूरे इंडिया के पब्लिकेशन में छपा होगा. अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि साहब कैसे बाइफर्गेशन करें. प्रॉब्लम क्या है, इन दी एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बाइफर्गेशन करें, दैट इज ए वेरी बिग इशू. और इसके लिए अपने को पढ़ने कुल मिला के 11-12 केसेस जो मैंने कल कॉपी में आपको लिख रखे थे, 11 केसेस है जो अपने को एक एक करने पड़ने हैं. वैसे आप लोगों ने कॉपी में अगर लिखे हैं तो आपको एक बार तो समझ में भी आ गया होगा क्या क्या है, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं उसमें एक एक करके लिखवाना चालू करूंगा, बहुत सारी चीजें समझ में आना चालू हो जाएगी. पॉइंट है, अगर सरकारी, हेलो, पहली बात, मैं प्राइवेट एडवर्टीजमेंट की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ कौन से एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं, सरकारी एडवर्टीजमेंट, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो. अगर कोई सरकारी एड अखबार में छप रहा है, टीवी में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, अरे सिर्फ टीवी रेडियो छोड़ो, बिजली के बिल के पीछे आ रहा है, ट्रेन के टिकट के पीछे आ रहा है, सिनेमा हॉल के टिकट के पीछे आ रहा है, नहीं सिनेमा हॉल में वो अंदर ब्रॉडकास्ट पे आ रहा है, मूवी चालू होने के पहले आ रहा है, इंटरनेट पे आ रहा है बहुत जगह, अब अपने को होर्डिंग पे आ रहा है बहुत जगह, इन सब केसेस में करना क्या है, अब उसको अपन पढ़ना चालू करते हैं और सुनना सब ध्यान से. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना पहली बात, एक चीज इंपॉर्टेंट सुनना, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल में जब भी कोई सरकार एडवर्टीजमेंट देती है तो उसका हमेशा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बजट जब पास होता है उस चीज़ का और उस चीज़ का जब ऑर्डर निकलता है तो हमेशा पब्लिकेशन वाइज निकलता है. मैं इसको समझाता हूँ कैसे. आज मान, बिल्कुल आवाज़ नहीं, सुनना, आज मान लो सरकार एक योजना लेके आई है, सूर्योदय योजना, जिसमें सोलर पैनल लगाई, कल बजट में भी उसको लेके बात करें, ठीक है. अब सरकार सूर्योदय योजना का अखबार में ऐड देना चाहती है और सरकार चाहती है 12 स्टेट में इसका ऐड जाए. अब किस पेपर में जाए, फॉर एग्जांपल दैनिक भास्कर में जाए, दैनिक भास्कर के 12 स्टेट के सारे पेपर्स में इसका ऐड जाना चाहिए. अब दैनिक भास्कर जब इसकी बिलिंग करेगा ना तो पब्लिकेशन वाइज करेगा, इंदौर पब्लिकेशन का ऐड इतने का, भोपाल पब्लिकेशन का ऐड इतने का, बिहार पब्लिकेशन का ऐड इतने का, लखनऊ पब्लिकेशन का ऐड इतने का. एक्चुअली वो लोग वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पूरे अमाउंट को. मतलब इस केस में कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का आप ही एलोकेशन करोगे कि इतना अमाउंट यहाँ, इतना अमाउंट यहाँ, इतना इस पब्लिकेशन को जाएगा. तो वो पब्लिकेशन जिस जिस स्टेट में है, जैसे इंदौर पब्लिकेशन है, तो होगा क्या, इंदौर एरिया के जितने आसपास के एरिया में जो छपता है उन सब जगह पे यहाँ का पब्लिकेशन जाता है, यहाँ का पेपर अलग छपता है, भोपाल का पेपर अलग छपता है, जबलपुर का पेपर अलग छपता है, बिहार का पेपर अलग छपता है, जयपुर का पेपर अलग छपता है. तो जहाँ जहाँ पेपर का सर्कुलेशन है वहाँ वहाँ के पब्लिकेशन को अलग अलग बजट अलॉट होता है गवर्नमेंट जब भी एडवर्टीजमेंट करती है. तो
कि भैया इतने का इतना ऐड हमको इस इधर करना है, इतने का ऐड इधर करना है, इतने का ऐड इधर करना है, उसके हिसाब से फिर पेपर में साइज ऑफ ऐड, फ्रंट फ्रंट पेज पे आएगा, बैक पेज पे आएगा, वो सब बजट के हिसाब से डिसाइड होता है। मतलब हर पब्लिकेशन का सरकार बजट देती है, तो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि इतना अमाउंट हम यहाँ के पब्लिकेशन के लिए अलॉट कर रहे हैं तुमको, कि तुमको इतना अमाउंट यहाँ के पब्लिकेशन में अलॉट हो रहा है, तो उस हिसाब से ही छपता है। मतलब प्रैक्टिकली हमको क्वेश्चन बताएगा कि हर पब्लिकेशन को आपने कितना कितना अमाउंट पे किया है, वो जिस जिस स्टेट में होगा उस स्टेट की प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। सबके एग्जाम्पल करेंगे अपन, लेकिन पहले वाले केस में क्लियर लिखा है अमाउंट पेबल फॉर पब्लिकेशन पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ द पेपर विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट। तो वो एक्चुअली कितना अमाउंट पे किया आपने पब्लिकेशन को, हर पब्लिकेशन का अलग अलग अमाउंट पे हुआ होगा सरकार की तरफ से, उस पब्लिकेशन के अमाउंट के हिसाब से। मान लो नाहटा अकेडमी को भी ऐड देना है, तो भोपाल के दैनिक भास्कर का अलग होगा और इंदौर के दैनिक भास्कर का अलग होगा। गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी ऐड देना हो ना, तो पब्लिकेशन वाइज ऐड जाता है। आपको आपका बजट बनाना पड़ता है कि हमको इतने का ऐड देना है, तो उस हिसाब से फिर पेपर में कहाँ डालना है, आगे पीछे। वो बोलेंगे अच्छा फ्रंट पेज का ऐड है तो इतने का, पीछे का ऐड है तो इतने का, उस हिसाब से। और कितना सर्कुलेशन, उस हिसाब से प्राइस होता है। जैसे इंदौर का पेपर ज़्यादा छपता है, भोपाल का पेपर नंबर ऑफ पब्लिक नंबर ऑफ प्रिंटिंग कम होती है, तो इंदौर का एडवर्टीजमेंट का रेट ज़्यादा होगा, भोपाल का एडवर्टीजमेंट का रेट कम होगा, तो उस हिसाब से वो अमाउंट पे होता है। तो वो एक्चुअली अपने को क्वेश्चन नहीं देगा, प्रैक्टिकली उनके पास पूरा डेटा रहता है कितना कितना एडवर्टीजमेंट हमने कौन कौन से पब्लिकेशन के लिए कौन कौन से स्टेट में किया है, तो अपने को क्वेश्चन भी वो डेटा देगा। मतलब यहाँ पे अपने को कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगेन प्रिंटेड मटेरियल के लिए भी यही होता है। मान लो आज सरकारी पेम्पलेट बांट रहे हैं, सरकार पेम्पलेट्स बांट रही है, लीफलेट्स बांट रही है अपने योजनाओं के। तो जैसे पेपर लीफलेट्स मतलब वही पेम्पलेट्स आते हैं ना, लीफलेट्स मतलब ये खुलने वाले जो पेपर के साथ आते हैं अलग से लगे हुए, वो भी अल्टीमेटली पेपर जैसे चलता है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन जिस स्टेट में लीफलेट्स के लिए किया है, जितने आपने अमाउंट अलोकेट किया हर स्टेट में पेम्पलेट्स और लीफलेट के लिए, ये भी आपको क्वेश्चन देगा। सेम होर्डिंग्स में भी देगा, पर ट्रेन को छोड़ के, क्योंकि ट्रेन का काम स्टेट वाइज नहीं होगा ना, ट्रेन का काम तो सेंट्रल है। इंडियन रेलवे पूरा सेंट्रलाइज्ड है, वो एक स्टेट का है कि हर स्टेट का अलग अलग है क्या? देखो न्यूज़पेपर हर स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन न्यूज़पेपर जैसे ही चलता है तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मुझे इंडियन रेलवे एक एक ही अलग अलग है, अलग अलग है। तो होर्डिंग जितनी भी लगती है वो भी लोकल अथॉरिटी की होती है। आज इंदौर में जितनी भी होर्डिंग लग रही है ना, सब नगर निगम लाइसेंस देता है उसके, तो जहां भी होर्डिंग पे सरकारी फोटोग्राफ के साथ सरकारी एडवर्टीजमेंट लगे वो सब इसी नगर, यहाँ का अलग पेबल अमाउंट है। अब ये कॉमन हो ही नहीं सकता ना। आप मुझे बताओ, होर्डिंग्स बांटना जो काम होता है ना, वो लोकल अथॉरिटी के हाथ में होता है, तो ऑफकोर्स ये स्टेट वाइज कैसे कॉमन होगा? क्या जयपुर की लोकल अथॉरिटी और इंदौर की लोकल अथॉरिटी ने होर्डिंग के लिए एक प्राइस लिया होगा, अलग अलग लिया होगा? क्योंकि दोनों अथॉरिटी अलग है, दोनों के मालिक अलग है, दोनों अलग अलग चल रहा है, तो उसके लिए कॉमन होगा कि अलग अलग होगा? तो स्टेट वाइज ही डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आपको। मतलब इसमें भी आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पर मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से ट्रेन के अलावा जितने भी हो, ट्रेन मतलब ट्रेन पे जो लगे रहते हैं, आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट पोत देते हैं लोग। ट्रेन के ऊपर देखा, कुछ ट्रेन के ऊपर एडवर्टीजमेंट किए हुए रहते हैं, गवर्नमेंट ऐड लगे रहते हैं, स्वच्छ भारत का, एमपी टूरिज्म का, राजस्थान टूरिज्म का, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ट्रेन के ऊपर लगे रहते हैं। वो एडवर्टीजमेंट की होर्डिंग में बात मत करना, ट्रेन के लिए अलग है। अब वो आ गया नीचे, अगर किसी भी ट्रेन के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आपको उसका रेलवे ट्रैक के रेशियो में बांटना पड़ेगा। किस रेशियो में? रेलवे ट्रैक। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अवंतिका एक्सप्रेस में आपने एडवर्टीजमेंट लगाया, तो अवंतिका एक्सप्रेस चार स्टेट, तीन स्टेट होके मुंबई, इंदौर से मुंबई जाती है, इंदौर आता है तो एमपी आता है, एमपी के बाद गुजरात आता है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है। तो जब आपने उस ट्रेन में एडवर्टीजमेंट किया, तो प्रैक्टिकली आपके रूट में कितने स्टेट कवर हो गए? तीन। आपको ट्रैक का डिस्टेंस देखना है कि एमपी में वो रूट कितना है, गुजरात में रूट कितना है, और महाराष्ट्र में रूट कितना है, उस रेशियो में एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बटी जाएगी। तो मान लो अगर 800 किलोमीटर का टोटल रूट है, तो उस 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर एमपी में, 200 किलोमीटर गुजरात में है, और बचे हुए 300 किलोमीटर महाराष्ट्र में, तो 3:2:3 के रेशियो में आप अपने एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तीन प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ। तो कितना ट्रैक, कितना रूट कहाँ से कहाँ तक का इस स्टेट में है, उस रेशियो में हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट ट्रेन के केस में बटेगा। वो होर्डिंग्स पे जो ट्रेन लगे होते हैं उसका इस तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, अगला है
एडवर्टीजमेंट ऑन द बैक ऑफ द यूटिलिटी बिल, बिजली के बिल के पीछे एडवर्टीजमेंट आता है। कई बार एडवर्टीजमेंट देखते हैं सरकारी योजना का, गैस सिलेंडर योजना का जो एडवर्टीजमेंट है वो बिजली के बिल पे, उज्ज्वला योजना का एडवर्टीजमेंट बिजली के बिल के पीछे आता है। पेटीएम की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्राइवेट वाली, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सरकारी सरकारी एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बढ़िया सा प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और बढ़िया सा सरकार का लोगो बना हुआ होगा, वो वाले एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूँ। बिजली के बिल के पीछे आते हैं एडवर्टीजमेंट्स, है ना। उस केस में आपको देखना है कितने बिलिंग एड्रेसेस हैं कहाँ पे, मतलब कितने बिल कितने कहाँ कौन कौन से स्टेट में कितने बिल गए। जैसे मान लो चार स्टेट में आपने बिजली के बिल पे एडवर्टीजमेंट दिया, तो कितने बिजली के बिल कहाँ बटे, 2 लाख बिजली के बिल मध्य प्रदेश के, 1 लाख बिजली के बिल गुजरात के, 1 लाख बिजली के बिल राजस्थान के। तो आप कह रहे इसलिए लोगे 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख, जितने बिजली के बिल बांटे आपने, जितने बिलिंग एड्रेस है उतने बिजली के बिल बांटोगे। तो जितने बिजली के बिल आपने जिस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किए उतना रेशियो में आपका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट चारों या तीनों स्टेट के अंदर बांट दिया जाएगा। तो जो सरकार के एडवर्टीजमेंट बिजली के बिल या गैस के बिल के पीछे आते हैं वो नंबर ऑफ बिल्स के रेशियो में बांट देंगे, कितने बिल कौन से स्टेट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उस रेशियो में आपका ये कॉस्ट भी निकल जाएगा। अगला है एडवर्टीजमेंट ट्रेन के ऊपर नहीं, रेल टिकट के ऊपर हुआ है। ट्रेन पे लगना अलग है और टिकट के पीछे देना, अगर टिकट के पीछे एडवर्टीजमेंट हुआ है तो उस स्टेट में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने हैं उस रेशियो में बांटना है। मतलब मान लो आपने बोला चार स्टेट के टिकट्स के पीछे हमारा एडवर्टीजमेंट आना चाहिए, तो उन चार स्टेट को जो आपने स्टेशनरी भेजी टिकट प्रिंट करने की उसके पीछे आपकी सरकारी योजना का ऐड चल गया, तो आप देखेंगे कि इन चारों स्टेट्स में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस कितने हैं। याद करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। कहीं कहीं पे रेलवे रूट ले लिया, कहीं कहीं पे देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं टिकट के केस में रूट कैसे ले सकता हूँ, मुझे बताओ टिकट एक ट्रेन का, देखो एडवर्टीजमेंट जो ट्रेन पे हुआ वो उसी ट्रेन का है, लेकिन टिकट तो सारी ट्रेन का इस स्टेशन से सारा का एक ही जाएगा ना। अरे मेरा प्रिंटर पे स्टेशनरी लगी हुई है, सब आगे की साइड से खाली है, पीछे सरकारी एड छपा हुआ है सब टिकट पे, और टिकट कहाँ कौन सी ट्रेन का कहाँ जा रहा है निकाल पाओगे क्या। तो उस केस में आपको ऑफकोर्स स्टेशन देखना पड़ेगा कि भैया कितने स्टेशन है यहाँ से टिकट फट रहे हैं। तो एमपी में साहब मान लो 60 स्टेशन है रेलवे स्टेशन, और गुजरात में 40 स्टेशन है। अब आपने दो 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 स्टेट में आपने सर्विसेज दी है, तो एमपी में 60 है, गुजरात में 40 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 6:4 का। जी हाँ, वो ट्रेन का है, वो उस ट्रेन का है वो रूट, क्योंकि उस ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट है तो उस ट्रेन का है। लेकिन रेलवे टिकट जो है वो एक ट्रेन का है कि सबका टिकट वही रहेगा। अरे सबकी स्टेशन कागज तो वही रहेगा ना, प्रिंटर में एक जैसा कागज लगा हुआ होगा। अब आप तत्काल, अब आप प्लेटफॉर्म टिकट लो, आप किसी अवंतिका का जनरल टिकट लो या दुरंता का रिजर्वेशन टिकट लो, कोई भी टिकट लो, अगर पेपर तो वही है ना, तो वहां कॉमन स्पेसिफिकली ट्रेन वाइज होगा कि सबका कॉमन होगा। तो फिर उस केस में ट्रेन वाइज रूट ले ही नहीं सकते, वहां पे क्या लेना पड़ेगा, स्टेशन। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने हैं हमारे स्टेट में और नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कितने दूसरे स्टेट में, उस रेशियो में बांट दो। तो दोनों के लिए अलग क्राइटेरिया है। होर्डिंग्स के लिए तो क्वेश्चन देगा, रेलवे पे लगाया गया एडवर्टीजमेंट पे रूट लेना है कितना एरिया कौन से स्टेट में, और रेलवे के टिकट के पीछे दिए गए एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन लेना है, और बिजली के बिल के टिकट के, बिजली के बिल के पीछे दिए गए एडवर्टीजमेंट में नंबर ऑफ बिलिंग एड्रेस लेने हैं कि कहाँ कितने बिलिंग एड्रेस है। याद रखना पड़ेगा, पर 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला देखो, रेडियो स्टेशन। अगेन जैसे अखबार में अलोकेट होता है ना बजट, रेडियो का ही बजट अलग से अलोकेट होता है। रेडियो का बजट अलोकेट होता है कि इतना बजट हम इस रेडियो स्टेशन के लिए दे रहे हैं, तो वो बजट लोकेशन क्वेश्चन आपको देगा। मतलब यहाँ पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल, क्योंकि टेलीविजन चैनल स्टेट वाइज एलोकेट कैसे करोगे। अब सोनी टीवी चल रहा है, स्टेट वाइज एलोकेट कर पाओगे क्या, उन्होंने बताया कैसे करना है, कैसे करना है सुनना। आपने एक नाम सुना होगा टीआरपी आती है, टीआरपी सुना है, टेलीकॉम क्या रेटिंग पॉइंट्स या जो भी हो, व्यूअरशिप होती है एक्चुअली, कि आपके शो की व्यूज कितने हैं, व्यूअर्स कितने हैं। आपको पता है जब ये गवर्नमेंट डेटा निकालती है, स्टेट वाइज निकाल, एरिया वाइज निकालती है, जोन वाइज निकालती है कि इस जोन में इतने व्यूअर हैं, इस जोन में इतने व्यूअर हैं, इस जोन में इतने व्यूअर हैं, इस जोन में इतने व्यूअर हैं। तो स्टेट वाइज डेटा रहता है सरकार के पास में कि कहाँ पे कितना टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और कितने व्यूअर्स टेलीविजन देख रहे हैं। जो हम बोलते हैं ना, इस चैनल की टीआरपी बहुत है, इस एपिसोड की टीआरपी बहुत है, ये शो बहुत चलता है, जैसे अनुपमा आता है,
है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन मर गया और कौन पैदा हो गया, पता नहीं क्या है, मैं तो आज तक समझ में भी नहीं आया कि वो बोलती क्या है। ठीक है, हाँ तारक मेहता का, अब वो टीआरपी बढ़ी हुई है तो अब व्यूअर्स देखे जाते हैं, ये टीवी के व्यूअर्स हैं, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, टीवी व्यूअर्स, वो D2H के थ्रू जो देखते हैं, उनका व्यूअरशिप डेटा पूरा रहता है सरकार के पास में, उनका जो एसोसिएशन होता होगा उनके पास पूरा डेटा रहता है कि कहाँ कितनी व्यूअरशिप है। तो यहाँ पढ़ना इंटरेस्टिंग है, आपके हर स्टेट में व्यूअर्स कितने हैं, मतलब अगर जी टीवी के 10 करोड़ व्यूअर मध्य प्रदेश में, 10 करोड़ तो पॉपुलेशन ही नहीं होगी एमपी की, कम होगी, कम होगी मेरे हिसाब से, मान लो 4 करोड़ व्यूअर्स आपके एमपी में हैं और 6 करोड़ व्यूअर्स आपके महाराष्ट्र में, तो रेशियो क्या बन गया 6:4 का, तो व्यूअरशिप के रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी हर स्टेट की। पर अब इसमें इंटरेस्टिंग है, एक तो सर व्यूअरशिप कब की, क्योंकि वो तो हर बार बदलती है, आपको बता दूं जिस क्वार्टर में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई माना है, जिस क्वार्टर के लिए आप देख रहे हो, उसके पिछले क्वार्टर के लास्ट वीक का डेटा देखना है, मतलब अपन किस क्वार्टर में खड़े हैं अभी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा क्वार्टर चल रहा है, जनवरी मार्च, तो इस जनवरी मार्च का डेटा तो अभी है ही नहीं, पर अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है, तो अपन कब जाएंगे, अक्टूबर दिसंबर के लास्ट वीक का जो डेटा होगा उनका, कि भैया यहाँ 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 इतने व्यूअर्स थे, उस दिसंबर महीने के लास्ट वीक के डेटा के रेशियो में आप इस पूरे क्वार्टर का टाइम ऑफ सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करोगे, मतलब इस पूरे क्वार्टर के लिए आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रपोर्शन निकलेगा वो कहाँ की व्यूअरशिप लेनी है, पिछले क्वार्टर के लास्ट वीक के, जो रिपोर्ट आई होगी आपके पास, हर चैनल को रिपोर्ट जाती है कि यहाँ यहाँ आपके इतने चैनल्स के इतने 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 शोज के ये व्यूअर्स हैं, आपके चैनल के इतने व्यूअर्स हैं, उस व्यूअर्स के रेशियो में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डेटा निकालना पड़ेगा। और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली पहले वो एक स्टेट हुआ करते थे तो उनका जोन एक हो गया है, जैसे एमपी छत्तीसगढ़ एक जोन में आते हैं, अब आपको एमपी और छत्तीसगढ़ का अलग अलग व्यूअर नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। मैं बता दूं जैसे जो डेटा निकलता है इनका, अब आप मान लो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये पहले ये अब दो स्टेट हुए, पहले तो पूरा, तो अभी भी उनका जो रिपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है वो एक ही चल रहा है, वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट एक ही बनाते हैं कि टोटल मिला के दोनों स्टेट में इतने व्यूअर्स है, अब इनके अंदर दोनों में कैसे बांटूं, जैसे मान लो टीवी को रिपोर्ट गई कि एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में 5 करोड़ व्यूअर हैं और राजस्थान में 5 करोड़ व्यूअर हैं, एमपी छत्तीसगढ़ रीजन में 5 करोड़ व्यूअर है और राजस्थान में 5 करोड़ व्यूअर है, अब ये तो पता पड़ गया कि जितनी भी सर्विस का आधा तो राजस्थान को जाएगा, आधा जाएगा एमपी छत्तीसगढ़ को मिला के, अब इसके अंदर भी तो दो बाइफरकेशन करने हैं, पर प्रॉब्लम है ये टीआरपी का डेटा या व्यूअरशिप डेटा उनके पास में नहीं है, क्योंकि उनका आज भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट यही चल रहा है कि पूरा जोन एमपी छत्तीसगढ़ है, उनका डेटा एक है, उनके पास इसके दोनों के अलग अलग डेटा नहीं है, उनकी व्यूअरशिप डेटा एमपी छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग नहीं है, सेम है, मतलब दोनों का कंबाइन करके बता पाएंगे कितने व्यूअर हैं, पर दोनों का अलग अलग नहीं बता पाएंगे कितने व्यूअर हैं, इक्वल कैसे बांट दे, एमपी इतना बड़ा है छत्तीसगढ़ इतना छोटा है, एमपी में इतने बड़े बड़े शहर है छत्तीसगढ़ में इतने छोटे छोटे गाँव हैं, आप मेरे को बताओ क्या निकाल पाओगे आप कि दोनों को इक्वल कर दें, एमपी इतना बड़ा है छत्तीसगढ़ इतना छोटा है, वहां आदिवासी लोग टीवी नहीं है उनके पास में, यहाँ सबके पास टीवी है, मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। सवाल ये आता है कि आप मुझे बताओ क्या इक्वल इक्वल बांटते हैं, नहीं, उन्होंने बोला इस केस में क्या करना है, उस दोनों रीजन में जैसे एमपी छत्तीसगढ़ है तो उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में उनमें बढ़ जाएगा, क्या रेशियो लिया है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट लिया, 10 करोड़ का एडवर्टीजमेंट लिया, 50% पॉपुलेशन तो राजस्थान की, मतलब 50% व्यूअरशिप तो राजस्थान की, तो 5 करोड़ रुपए का प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या हो गया, राजस्थान, बाकी 5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने बोला एमपी छत्तीसगढ़ है 50%, तो अब बचे 5 करोड़ किसको अलोकेट हुए, एमपी छत्तीसगढ़ को, अब एमपी छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन का रेशियो 4:1 है, एमपी छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन का रेशियो 4:2, तो आप 5 करोड़ के उस दोनों को पूरे जोन को जो 5 करोड़ बटे हैं उसको क्या रेशियो में बांटोगे, 4:2, तो 4 करोड़ एमपी का हो जाएगा 1 करोड़, मतलब है पूरा लॉजिकल, पहले तो बोला व्यूअरशिप डेटा ले लो,
पर अगर एक ही जोन में मल्टीपल स्टेट्स आ रहे हैं व्यूअरशिप के अंदर, जैसे एग्जाम्पल इज एमपीसीजी जोन, अभी अभी तो शायद एमपी और सीजी अलग हो गया, पर आपको बता दूं मोबाइल रिचार्ज में पहले एमपीसीजी एक होता था। अगर आपको मोबाइल रिचार्ज सिलेक्ट करना होता था तो वो एरिया पूछते थे, उसमें एमपीसीजी अभी भी एक ही है क्या? अभी भी एक ही है, मतलब ट्राई का डेटा भी एमपीसीजी का कॉमन जाता है। न्यूज चैनल का भी एक ही है क्या? मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि एक ही है क्या व्यूअरशिप डेटा। अगर एक ही है तो ये एमपीसीजी में प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एमपी और सीजी की पॉपुलेशन लेनी पड़ेगी, जो भी लेटेस्ट सेंसस होगा उसके हिसाब से, और उस रेशियो में फिर अपन बांट देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कल आपने जो लिखा होगा ना उसमें गलती से रेशियो पॉपुलेशन नीचे लिखा हुआ होगा, उसको ऊपर लिख देना, वो शायद लाइन के नीचे आ गया होगा। देखो कल आपने लिखा होगा कॉपी में, शायद रेशियो पॉपुलेशन यहाँ नीचे आ गया था, इसको ऊपर कर देना, काट के कर दो ना रे जी, काट के कर दीजिए। शीट में था ये, नीचे लिखा हुआ था, ये ऊपर लिख देना। अरे था यार, कैसी बात कर रहे हो, लिखा हुआ है। है ना, रेशियो पॉपुलेशन ऊपर है। अच्छा टीआरपी को बोलते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, यस टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। व्यूअरशिप डेटा वही टीआरपी, वो इसी उसी एक उनका है अपना एसोसिएशन, वो लोग निकालते हैं उसका डेटा, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन करके है उनका, वो लोग ये डेटा वीकली निकालते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट मुझे बताओ, आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सेस में देखे होंगे मूवी चालू होने से पहले ऐड आते हैं, उसमें कभी कभी सरकारी ऐड भी आते हैं, जैसे वो ऐड आता है धूम्रपान वाला, है ना, वो हर पक्का है, हर सिनेमा हॉल के मूवी के पहले आने ही आने हैं, ठीक है। और एक और भी आते हैं, अक्षय कुमार वाला एक ऐड आता है ना, बहुत सारे आते हैं अलग अलग। तो सरकारी 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 ओनली गवर्नमेंट, नॉट प्राइवेट, आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स। किसी ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट, किसी ना किसी सरकारी ऑफिस से ऐड आया है वो, ठीक है। जैसे मानव संसाधन विभाग, ये सरकारी डिपार्टमेंट हो गया, तो इनसे अगर एडवर्टीजमेंट्स आते हैं तो उस केस में अगेन सिनेमा हॉल्स को एरिया वाइज ही बांटा जाएगा, वो देगा क्वेश्चन। रेडियो, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर, इन सब में एरिया वाइज है होर्डिंग्स, क्योंकि लोकेशन कॉन्सेंट ना, हर लोकेशन अलग अलग है, तो एरिया वाइज ही मिलेगा आपको। इंटरेस्टिंग कब आएगा, जहां पे कॉमन है, जैसे टीवी कॉमन है तो उन्होंने अलग बोला, रेलवे कॉमन है तो उन्होंने उसके लिए ट्रेन के लिए और टिकट के लिए अलग बोला, यूटिलिटी बिल अलग है तो उसके लिए अलग बोला। अब एक और इंटरेस्टिंग आता है, ये है इंटरनेट। अब मजेदार है, गूगल एड्स, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स अगर गवर्नमेंट कर रही है, यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट दे रही है, गूगल पे एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो वहां सरकारी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, पॉपअप होके आ रहा है, ये सब है इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स। अब सर इसमें तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट में तो उनको कोई डेटा थोड़ी मिलेगा, कितने इंटरनेट यूजर के कौन से स्टेट ने हमारा ऐड देखा, ये डेटा तो गूगल के पास भी नहीं है। गूगल के पास ये डेटा एग्जैक्ट नहीं कि कौन सा एड कौन से एरिया के आदमी ने कितने बार देखा, नहीं है। टीवी में निकालना आसान है क्योंकि वो D2H से कनेक्टेड है, इंटरनेट पे आप ये नहीं फाइंड आउट कर पाओगे कि ये यूट्यूब एड कौन से स्टेट के कितनी लोगों ने देखा। ये वाला एड वो निकल जाता है पर वो कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, वो जो उनका यूट्यूब पे आता है एनालिटिकल डेटा वो परफेक्ट नहीं होता है। व्यूअर्स आते हैं लेकिन एडवर्टीजमेंट कितनों ने देखा वो भी नहीं आता है। इसका मतलब एक चीज है कि अगर सरकार ने इंटरनेट पे ऐड दिया, सरकार ने इंटरनेट पे ऐड दिया पहली बात तो ये ऐड पूरे इंडिया में ही जाएगा, पूरे इंडिया में जाएगा। इंटरनेट पे ऐड किसी स्टेट के लिए होगा कि पूरे इंडिया में जाएगा? ऑफ कोर्स यार, आज अगर मैं गूगल ऐड चला रहा हूं तो सिर्फ क्या है कि स्टेट के लिए रहेगा कि पूरे इंडिया में जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाएगा। पर मतलब चलो वर्ल्ड को भूल जाओ, कहां जाएगा, इंडिया में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब देखा है तो सारे स्टेट्स में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। सरकार के पास ये तो डेटा है ना कि कितने स्टेट के कितने यूजर्स हैं, कितने स्टेट के कितने मोबाइल यूजर्स हैं, कितने स्टेट के कितने इंटरनेट यूजर्स हैं। ट्राई के पास डेटा है, टेलीकॉम अथॉरिटी के पास डेटा है कि कौन से स्टेट में कितने इंटरनेट यूजर हैं,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स पर, सर अगेन ट्राई का भी एमपीसीसी का डेटा तो एक होगा, तो वही पॉपुलेशन के रेशियो में फिर इंटरनेट यूजर को बांट देंगे। नहीं समझे? मान लो राजस्थान में 5 करोड़ इंटरनेट यूजर है और एमपीसीजी में मिला के 5 करोड़ इंटरनेट यूजर है, तो पहले तो आधा हो गया राजस्थान को, आधा हो गया इधर। अब ये जो 5 करोड़ एमपीसीजी में, इसमें 4 करोड़ एमपी के हैं और 1 करोड़ छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है, तो रेशियो हो जाएगा 4:1 का। तो ऑफकोर्स वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर पढ़ा था। लास्ट है एडवर्टीजमेंट थ्रू एसएमएस। सरकारी एसएमएस पॉलिसी सिस्टम भी है, पता है आपको, जहां पे हमको एसएमएस आया था गवर्नमेंट के कुछ भी होता है तो एडवर्टीजमेंट का है ना, ये योजना के अंदर आप पार्ट करिए, ये करिए, वो करिए। ट्राई के हिसाब से टेलीकॉम यूजर्स कितने हैं? ऊपर था इंटरनेट यूजर्स, नीचे क्या है? टेलीकॉम यूजर्स। दोनों डेटा अलग होता है, इंटरनेट कनेक्टेड हो ये जरूरी नहीं है। टेलीकॉम यूजर अलग होता है और इंटरनेट यूजर अलग होता है, तो दोनों डेटा अलग अलग है। इस रेशियो में एसएमएस टेलीकॉम यूजर के रेशियो में जाएगा और इंटरनेट होगा तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स और यूजर्स के रेशियो में जाएगा। टीवी है तो व्यूअरशिप के रेशियो में जाएगा, और अगर बिजली का बिल है तो बिलिंग एड्रेस के रेशियो में जाएगा। ट्रेन के टिकट के पीछे ऐड है तो स्टेशन के रेशियो में जाएगा, ट्रेन के ऊपर ऐड है तो रूट के रेशियो में जाएगा। न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, रेडियो स्टेशन, सिनेमा हॉल, सब में आपको देगा क्वेश्चन में कि किस रेशियो में बांटना है, क्योंकि वो स्टेट वाइज ही एलोकेटेड होगा। मैंने जो बोला वापस सुनना, मैंने क्या बोला शुरू से? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट, लीफलेट्स क्वेश्चन देगा, और सुन लो, होर्डिंग, सिनेमा हॉल, रेडियो, कितनी चीज हो गई? 7। 12 में से 7 के लिए तो यही याद रखना है कि क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा। 11 या 12 जितने भी हैं, वापस बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर मैगजीन एक हो गया, दूसरा हो गया पेम्पलेट लीफलेट्स, तीसरा हो गया होर्डिंग्स, ट्रेन वाली नहीं, अदर देन ट्रेन, ये जो नॉर्मल अपने होर्डिंग्स लगती है शहरों में वो, चौथा हो गया सिनेमा हॉल, पांचवा हो गया रेडियो स्टेशन, ये 5 है। इन 5 के लिए तो हमेशा क्या मानेंगे? क्वेश्चन देगा कि कौन से रेशियो में बांटना है, क्वेश्चन देगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, 5 को तो भूल जाओ। अब किसके लिए क्या क्या है सुनना, ट्रेन के ऊपर लगाए गए एडवर्टीजमेंट के लिए लेना है, ट्रेन का रूट कितने कितने डिस्टेंस कौन कौन से स्टेट में है, पहला हो गया ट्रेन का। ट्रेन के टिकट के पीछे के ऐड के लिए लेना नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन कि हर स्टेट में कितने कितने रेलवे स्टेशन है। बिजली के बिल और यूटिलिटी बिल के टिकट के पीछे, सॉरी बिल के पीछे है बिलिंग एड्रेसेस, बिलिंग एड्रेसेस कहाँ कहाँ कितने हैं, मतलब कहाँ कहाँ कितने कितने बिलिंग जा रही है और आपने कौन कौन से स्टेट में दिया, उस रेशियो में हम उसको बांट देंगे। क्या क्या हो गया? ट्रेन के ऊपर का ऐड कवर, ट्रेन के टिकट के पीछे का ऐड कवर, बिजली के बिल और यूटिलिटी बिल के पीछे का ऐड कवर। अगला आता है इंटरनेट। अगर टीवी, टीवी पहले टीवी, टीवी में लेना है व्यूअरशिप। अगर व्यूअरशिप एक से ज्यादा स्टेट में है तो व्यूअरशिप के रेशियो में बांट दो। व्यूअरशिप कब की लेनी है, इस क्वार्टर की कि पिछले क्वार्टर के लास्ट वीक की? पिछले क्वार्टर के लास्ट वीक की। और अगर जोन है, एक से ज्यादा स्टेट आ रहे हैं उसके अंदर व्यूअरशिप में, तो स्टेट की पॉपुलेशन के रेशियो में बांट देंगे। अगला है इंटरनेट के लिए क्या लेना है, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हर स्टेट में कितने हैं, और अगर एक ही जोन है स्टेट से तो अगेन पॉपुलेशन के रेशियो में बांट देंगे। सेम एडवर्टीजमेंट थ्रू एसएमएस टेलीकॉम यूजर, और अगर जोन है तो फिर वापस पॉपुलेशन के रेशियो में बांट दिया जाएगा। आप गिन लो, हो गए पूरे के पूरे 11 याद। 5 के लिए तो एक ही था कि भैया जो होगा वो दिया जाएगा, 6 के लिए मैंने बता दिया, अब मतलब एक्सेप्शनली 6 याद करने। 6 कौन कौन से कोई बताएगा? रेल, ट्रेन के ऊपर लगेगा एडवर्टीजमेंट, ट्रेन के टिकट के पीछे के एडवर्टीजमेंट, बिजली के बिल और टेलीकॉम के पीछे के एडवर्टीजमेंट, टीवी के, इंटरनेट के, एसएमएस के। 6 तो कितने आसान है, 3 तो फोन के ही है, टीवी, इंटरनेट, एसएमएस, 3 तो ये, 2 ट्रेन के हैं और 1 हो गया हमारा बिजली का बिल। तो 6 के लिए तो याद रखना है, बाकी जितने भी सबके लिए तो देगा क्वेश्चन कि किस रेशियो में बांटना है। बच्चे लिखे और सौर इतना याद कैसे होगा? लो एक झटके में याद हो गया, 11 हो गए ना पूरे के पूरे, गिन लो 11 हो गए, 11 ही है, बिल्कुल 11 ही है। 5 अलग और 6 अलग, 5 के लिए सेम, 6 के लिए अलग अलग बता दिया मैंने, ठीक, बहुत बढ़िया। अब सर क्या बचा? एग्जाम्पल्स। क्या बचा? एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं सही भैया और चलते हैं आपकी बुक के अंदर इसके एग्जाम्पल्स पे। देखिएगा, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट स्टैटूटरी बॉडीज लोकल अथॉरिटी मेंट फॉर द स्टेट यूटीज आइडेंटिफाई इन द कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई होगी ईच ऑफ द स्टेट वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड रन प्लेड डिसेमिनेटेड। जहां जहां वो एडवर्टीजमेंट छपा है कहीं ना कहीं उस स्टेट में थोड़ा तो बटेगा, वो कितना बटेगा वो अपन आगे जाके बैठेंगे फिर देखेंगे। पर अगर आपका इश्तिहार आपका एडवर्टीजमेंट 6 अलग अलग स्टेट में छपा है तो आपको 6 स्टेट में थोड़ा थोड़ा तो बांटना पड़ेगा, वो रेशियो क्या होगा वो अपन आगे जाके समझेंगे। ठीक है, अब उन्होंने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई टू ईच स्टेट इज इन प्रपोर्शन टू एन अमाउंट एट्रीब्यूटेबल। कितना अमाउंट कहाँ का है, मतलब वो अमाउंट अपने को क्वेश्चन देगा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है तो यहाँ देखो आप, अगर न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन है तो अमाउंट पेबल फॉर पब्लिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट्स इन ऑल द एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर व्हिच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट। ठीक है सर, एग्जांपल नंबर 50 पढ़ते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। पहले अपन एग्जांपल 50 पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये देखो एबीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डील करती है सारे गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स में। ठीक है, इट हैज वेरियस विंग्स डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ पब्लिसिटी इन फर्दरेंस, देयरफॉर इट इश्यूज रिलीज ऑर्डर, मतलब ऑर्डर रिलीज किया इन्होंने, क्या सारे इंडिया के सारे अखबारों को ऑर्डर रिलीज किया। क्या रिलीज किया कि तुमको अलग अलग जगह इश्तिहार देना है और उस हिसाब से तुम बिल दे देना। अब उन्होंने एबीसी इश्यूज ए रिलीज ऑर्डर टू ए न्यूज पेपर फॉर एन एडवर्टीजमेंट ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टू बी पब्लिश इन ए न्यूज पेपर DF, जिसका ऑफिस कहाँ था, दिल्ली में, पर उसका पब्लिकेशन चलता है दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में, लखनऊ में, जयपुर में। अब उन्होंने बोला रिलीज ऑर्डर जब आएगा ना, जो रिलीज ऑर्डर देगी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट पब्लिकेशन वाली, वो बोलेगी विल हैव द डिटेल्स न्यूज़पेपर लाइक पीरियोडिसिटी लैंग्वेज साइज ऑफ द एडवर्टीजमेंट एंड अमाउंट टू बी पेड टू सच न्यूज़पेपर। मतलब उस रिलीज ऑर्डर में लिखा हुआ होगा कि कौन सी लैंग्वेज में कौन से साइज का कौन सी पब्लिकेशन में कितना अमाउंट हम डेडिकेट कर रहे हैं, वो सब कुछ उस रिलीज ऑर्डर के अंदर लिखा होगा। तो रिलीज ऑर्डर में जब क्लियरली लिखा है कि 30% या 20% या 40% या, तो उस रेशियो के अंदर ही आपको बांटना पड़ेगा। नीचे और भी लिखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विस शैल बी दिल्ली महाराष्ट्र यूपी एंड राजस्थान। द अमाउंट पेएबल टू पुणे एंड मुंबई एडिशन वुड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोपोर्शन ऑफ महाराष्ट्र and the amount payable to Delhi and Lucknow Jaipur edition would constitute the proportionate value attributable to the Delhi and UP and Rajasthan। मतलब कुछ नहीं है, जितना इतना अमाउंट जिस जिस स्टेट के पब्लिकेशन को दिया है उस रेशियो में उसको बांट देना और उस रेशियो में आपका अपने आप निकल जाएगा। मतलब सिंपल कॉस्टिंग जैसे रेशियोज में बांटना है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन डेटा क्या आ जाएगा, सर 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट था, चार स्टेट में गया और चारों स्टेट में इस प्रोपोर्शन में अमाउंट अलोकेट किए, एक जगह 3 लाख, एक जगह 2 लाख, एक जगह 3 लाख, एक जगह 2 लाख, तो रेशियो हो गया 3:2:3:2। तो आप चारों स्टेट के अंदर इसको 3:2:3:2 के रेशियो में बांट के खत्म कर दो, इतना ईजी रहेगा। बेसिक कॉस्टिंग लगानी रहेगी, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ वो अब देखो इसमें अलग है, वो भी आ जाएगा, अपन समझ लेंगे उसको लेके भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, एक एक करके। पहले अपन ने जो पढ़ लिया है उसकी बात कर लेते। दूसरा एग्जाम्पल है प्रिंटेड मटेरियल पैम्पलेट्स लीफलेट डायरीज कैलेंडर और टी शर्ट्स। इस केस में भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैसे होगा दिया रहेगा, फिर भी अपन देख लेते हैं क्या हुआ है। एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन स्वच्छ भारत एबीसी हैज एंगेज्ड ए कंपनी, एक कंपनी को काम दिया कि तुम 1 लाख पैम्पलेट छापो और वो हरियाणा यूपी और राजस्थान में बांटो। ठीक है सर, 1 लाख ही, हाँ 1 लाख ही, और बांटने कितने स्टेट्स में, ठीक है 3 स्टेट में, कौन कौन से, हरियाणा यूपी राजस्थान, तीनों में बांटने। एबीसी शुड असर्टेन द ब्रेकअप ऑफ द पेम्पलेट्स, मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट उससे मांगेगी कि आपने कितने पेम्पलेट्स कौन से स्टेट में बांटे। तो जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि हमने 20,000 पेम्पलेट बांटे हैं हरियाणा में, 50,000 पेम्पलेट बांटे हैं यूपी में और 30,000 पेम्पलेट बांटे हैं राजस्थान में। तो अपने 1 लाख की कॉस्ट को क्या रेशियो में बांट देंगे, 2:5:3। तो नंबर ऑफ पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूटेड, नंबर ऑफ टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन देगा आपको कि किस कितना डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ है, बस उस रेशियो में अपने को ये कॉस्ट को बांटना पड़ेगा। ये भी ईजी है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन देगा कि हमने टी शर्ट छपवाया, सब कितने टी शर्ट कहाँ बांटे हैं,
पैम्पलेट छपवाए, कितने पैम्पलेट्स कहाँ बांटे, आपने लीफलेट छपवाए, कितने लीफलेट्स कौन से स्टेट में बांटे, उस प्रपोर्शन में आपको ये कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं नहीं भी पढ़ा था और आपको बोलता बेटा ये कॉस्ट लगी और इतने इतने यहाँ बटे, तो आप खुद कॉस्टिंग लगा लेते इसे, इतना तो रेशियो कैलकुलेट करना आता है हम लोगों को, किसको कहाँ बांटना है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है। बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं। एडवर्टीजमेंट इन होर्डिंग्स बट इट इज अगेन अदर देन ट्रेन्स। देखना, एबीसी लिमिटेड एज ए पार्ट ऑफ कैंपेन साक्षर भारत, पढ़ाई लिखाई वाला साक्षर भारत, हैज एंगेज्ड ए फर्म आईजी फॉर पुटिंग अप होर्डिंग्स नियर द एयरपोर्ट इन 4 मेट्रोस, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। द रिलीज ऑर्डर, अगेन इसके लिए रिलीज ऑर्डर निकलेगा। जब इस तरह की सरकारी एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स को जाते हैं, न्यूज़पेपर को जाते हैं, तो जो सरकारी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या निकाल के देती है, रिलीज ऑर्डर। तो यहाँ पे रिलीज ऑर्डर निकला है कि आपको सिटी वाइज लोकल वाइज ब्रेकअप होगा और उसमें अमाउंट क्या क्या भी होगा कि कौन से जगह का कितना होर्डिंग का है, सब कुछ रिलीज ऑर्डर में लिखा हुआ होगा। तो करना क्या है, बस जो रिलीज ऑर्डर लिखा है उसके रेशियो में अपन इसको पूरा का पूरा बांट देंगे। तो वो जितना इतना रिलीज ऑर्डर में अमाउंट लिखा है उस रेशियो में प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से स्टेट वाइज बांट दिया जाएगा। तो सर इसमें फंसाएंगे कहाँ पे, कहीं नहीं, एक ही स्टेट में 3-4 जगह दे देंगे। तो जानना है सबको जोड़ना है। जब मान लो इंदौर भोपाल लिखा तो इंदौर भोपाल अलग अलग नहीं, इंदौर भोपाल दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि पूरा किसका पार्ट बनेगा, एमपी का। तो उतना ध्यान रखना कि सेम स्टेट की दो सिटीज हैं तो वो फिर एक ही स्टेट माना जाएगा, तो उस रेशियो को दोनों कंबाइन करके लेना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग ट्रेन, ये सुनना। एबीसी ने ऑर्डर प्लेस किया है कि हमें एक ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट करना है और उस एडवर्टीजमेंट का नाम होगा जननी सुरक्षा योजना। जननी होता है, जनानी नहीं होता है, जननी, जनानी क्या होता है, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, बहुत बढ़िया, जनानी, ओके। द लेंथ ऑफ द ट्रैक इन द स्टेट विल वेरी फ्रॉम ट्रेन टू ट्रेन, हर ट्रेन का अलग होगा, ठीक है। अब उन्होंने बताया एक ट्रेन में एडवर्टीजमेंट दिया, हजरत निजामुद्दीन वास्को डिगामा गोवा एक्सप्रेस, ये दिल्ली से गोवा चलती है। निजामुद्दीन एक इंदौर की भी है, दिल्ली से चलने वाली सारी ट्रेन को निजामुद्दीन बोलते हैं। अब दिल्ली से एक ट्रेन गोवा जाती है, उसका वास्को इज द प्लेस इन गोवा, साउथ गोवा में एक जगह है वास्को, तो निजामुद्दीन से वास्को की ट्रेन है ना, तो विच रन्स थ्रू दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इतने स्टेट क्रॉस करके जाती है, दिल्ली से होते हुए, हरियाणा से होते हुए, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन गोवा। इस तरीके से वो दिल्ली से पूरा नॉर्थ से वेस्ट तक जाती है ना, तो इतने सारे स्टेट से क्रॉस होके जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा क्या करने के लिए, इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाइए, वो आपको इस ट्रेन का पूरा रूट बताएंगे विद किलोमीटर्स कि कौन से कहाँ कहाँ से कितने कितने किलोमीटर्स हैं। आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे पूरा डेटा मिलता है, हर ट्रेन का रूट मिलता है और इजीली ऐप में भी दिखता है, अभी खोलने की जरूरत नहीं है, सब जगह दिखेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस उस रूट को खोलना है और ये देखना है ये ट्रेन कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है और कितना कितना रूट उसका कौन कौन से स्टेट के अंदर है। उस रेशियो के अंदर इस पूरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को 6-7 स्टेट्स हैं, उन 6-7 स्टेट में बांट दिया जाएगा। इजी, बताओ इजी है। देखो एक चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इतना सारा डेटा देंगे ही खुद को समझ में आ जाएगा करना क्या है। ट्रैक का डेटा देंगे तो खुद से, और ट्रैक का डेटा याद आ गया, ट्रेन है रूट के हिसाब से, क्योंकि डेटा तो उनको देना पड़ेगा ना, हमको थोड़ी फोन में बोलेंगे चलो एक काम करो बेटा मोबाइल निकालो और इंडियन रेलवे का रूट निकालो, नहीं ना, क्वेश्चन में डेटा देगा तो दिक्कत आने की बात नहीं है। चले आगे, ये दिया हुआ है उन्होंने रेशियो भी कि ये रेशियो कुछ है 0.5, 0.5, 2, 2, 3, 3, 1 और उस एक बीस को अपन ऐसे 5,000, 5,000, 20,000, 20,000, 30,000, 10,000 करके सभी स्टेट वाइज बांटेंगे, तो इतने सारे बिल रेस करने पड़ेंगे और सबकी प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग होगी, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगला एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रेन टिकट्स। ये तो आजकल हम लोग देखते ही नहीं है क्योंकि आज तक तो हम लोग ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट पे भी आता है, ऑनलाइन टिकट पे भी आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कई बार, ठीक है। अब देखना क्या है, एबीसी ने एक रिलीज ऑर्डर इशू किया कि उज्ज्वला स्कीम, वो गैस वाली स्कीम है उज्ज्वला,
ऑन द रेलवे टिकट्स आर सोल्ड फ्रॉम ऑल स्टेशन स्टेट ऑफ एमपी एंड छत्तीसगढ़। उन्होंने बोला जितने भी टिकट छपेंगे मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्रेन स्टेशन से, सबके पीछे उज्ज्वला योजना छाप दो। तो स्टेशनरी पे एक साइड तो खाली होगा जिसपे टिकट प्रिंट होगा, पीछे साइड क्या छाप देंगे? उज्ज्वला योजना का एडवर्टीजमेंट पूरे एमपी और छत्तीसगढ़ के सारे स्टेशन में। अब मुझे बताओ इस रेशियो को कैसे बांटोगे? एमपी में कितने नंबर ऑफ स्टेशन हैं और छत्तीसगढ़ में कितने नंबर ऑफ स्टेशन हैं? तो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ब्रेकअप दिया है, अब वो डेटा कितना सही है पता नहीं, पर अब लिखा हुआ है इन्होंने कि एमपी में 713 रेलवे स्टेशन है और छत्तीसगढ़ में 251 रेलवे स्टेशन है। तो इस रेशियो में हम इस पूरी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को दोनों में बांट देंगे, ये उन्होंने यहाँ पे रेशियो बताया है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस के रेशियो में ये दोनों में बांट दिया जाएगा। बताओ किसी को तकलीफ है? इजी पीजी, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट ऑन रेडियो स्टेशंस। हेलो, ये तो एरिया एलोकेट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, जो रिलीज ऑर्डर होगा उसमें लिखा होगा कितना कितना रेडियो स्टेशन कौन सा है जा रहा है, तो उस डेटा के अंदर लेना है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल्स, टीवी चैनल्स, क्या होगा इस केस में देखते हैं। सुनना, एबीसी ने इशू किया एक रिलीज ऑर्डर कि वो इस चैनल को बोल रहे हैं कि भैया तुम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का नवंबर 17 में एडवर्टीजमेंट निकालो टीवी में। In the first phase, they will be telecasting in Delhi, UP, Uttarakhand, Bihar and Jharkhand. 6 states के उन्होंने area में ये पूरा का पूरा broadcast वो लोग TV का करने वाले हैं। The place of supply of this service is in Delhi. Of course, सारे होंगे, लेकिन किस ratio में? पहले देखो, QR will ascertain the viewership figure for their channel in the last week of September 17. आप कहाँ खड़े हो? नवंबर 17 में, लेकिन इस क्वार्टर का कि पिछले क्वार्टर का? आपका लास्ट क्वार्टर निकला था सितंबर, जुलाई सितंबर, आप नवंबर में खड़े हो, तो आपका पिछला क्वार्टर क्या था? जुलाई सितंबर, सितंबर क्वार्टर का लास्ट वीक का डेटा बता रहा है कि 100,000 व्यूअर दिल्ली में थे, 200,000 व्यूअर उत्तर प्रदेश में थे, 100,000 व्यूअर उत्तराखंड के रीजन में थे। ओ, उत्तराखंड रीजन में दो आते हैं, अच्छा, और 100,000 जो थे वो, एक मिनट, 200,000 थे यूपी और उत्तराखंड के एक रीजन में, मतलब यूपी और उत्तराखंड एक माना है, और 100,000 थे बिहार और झारखंड के रीजन में, बिहार और झारखंड। अब बताओ, अपन ने 100,000 तो दिल्ली को अलग कर दो, अब कितने बच गए? 200,000 किसका? यूपी और उत्तराखंड का, और 100,000 किसका? बिहार। और इसको कैसे बांटूं? इन दोनों का पॉपुलेशन डेटा लगेगा, सेंसस डेटा लगेगा, और उसके लिए नीचे उन्होंने लिखा होगा, देखिए, देखते हैं देखते हैं, जब का होगा तब का देखेंगे देखेंगे देखेंगे। सिंस द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये और व्यूअरशिप देती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने क्लब किया है यूपी और उत्तराखंड के रीजन को, तो अब क्यूआर को क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन फिगर्स निकालने पड़ेंगे, यूपी उत्तराखंड का क्या है और बिहार झारखंड का क्या है एज पर द लेटेस्ट सेंसस। बाय अप्लाइंग द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन यूपी उत्तराखंड सो एसेंड टू द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस ब्ला 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 ब्ला। अब उन्होंने क्या निकाला? रेशियो मान लिया उन्होंने यूपी और उत्तराखंड का 9:1 है, तो बताओ 200,000 को कैसे बांट देंगे 180,000 और 20,000 में। सिमिलरली उन्होंने मान लिया कि बिहार और झारखंड का पॉपुलेशन डेटा 4:1 है, तो बटेगा 80। और अब ऐसे अपना बढ़ गया सारा, दिल्ली को चले गया 100,000, उसके बाद आपके यूपी को चला गया 180, उत्तराखंड को चला गया 20,000, बिहार को चला गया 80,000 और झारखंड को चला गया 20,000। इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा आपको व्यूअरशिप के हिसाब से बांटना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे इमेजिन कर लो, दिल्ली एक तरफ ले लो, यूपी उत्तराखंड एक तरफ ले लो, बिहार झारखंड, पहले तो इनमें बांट दो, दिल्ली अलग, अब ये जो दोनों बच्चे, इन दोनों में कैसे बांटोगे आगे वापस से? पॉपुलेशन के रेशियो में। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला, एडवर्टीजमेंट इन सिनेमा हॉल्स, अल दिया रहेगा कितना अमाउंट कौन से सिनेमा हॉल में कौन से स्टेट में पे किया, दिया रहेगा, इसके लिए हमको कहीं भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट, इंटरनेट एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट। अब देखो क्या लिखा है, एबीसी ने इशू किया रिलीज ऑर्डर WX को कि उनको एक कैंपेन चलाना है इंटरनेट पे कि भैया बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा पैन कैंसिल कर देंगे,
तो तुम बैंक अकाउंट को और आधार को और फोन नंबर को क्या करो, लिंक करो। ये इंटरनेट पे कैंपेन चला दिया साहब। अब कैंपेन में सब तरह के एडवर्टीजमेंट होंगे, यूट्यूब एडवर्टीजमेंट होगा, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट होगा, फेसबुक एडवर्टीजमेंट होगा, गूगल एड्स चलेंगे, सब कुछ कैंपेन के अंदर आता है। जब एक कंपनी कैंपेन रन करती है तो सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट भी होता है, गूगल एडवर्टीजमेंट भी होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी होती है, सब चीज़ें कैंपेन के अंदर आती है। तो कैसे पता करेंगे कि भैया कहाँ पे कितना स्टेट वाइज बांटेंगे? अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। उन्होंने बोला है आपको जाना पड़ेगा ट्राई के डेटा पे। कौन से डेटा पे? ट्राई। और ट्राई की वेबसाइट पे जाके आपको मिलेंगे एरिया वाइज इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। आप ट्राई की वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं कौन से एरिया के कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने टोटल मिला के 22 सर्विस एरियाज बना रखे हैं। जोन भी होंगे, किसी में दो स्टेट होंगे तो सारे स्टेट के अलग अलग नहीं होंगे। कितने जोन बना रखे उन्होंने? 22। अब सम रिलेट टू इंडिविजुअल स्टेट्स, एक में दो से ज्यादा है, किसी में जोन है, सब में मेट्रोपोलियन एरियाज हैं। तो आपको इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टेट वाइज ब्रेकअप, फर्स्ट द स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इज अराइव्ड, वो निकाल लो आप। और उसके बाद अगर जोन है और एक से ज्यादा जैसे एमपीसीजी है तो उसको कैसे बांट दो इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बाद उसको पूरा का पूरा अप्लाई करके सेपरेट सेपरेट बिल बांटना पड़ेगा। मतलब वो का वही है, बस नंबर ऑफ व्यूअरशिप की जगह यहाँ आ जाएंगे नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर, बाकी पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है। ठीक, लास्ट एक और है, ये है एक और है। अच्छा, ये एसएमएस इन केस। अच्छा क्या है एग्जाम्पल देखो, टेलीकॉम सर्कल ऑफ आसाम द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू टेलीकॉम सर्कल ऑफ आसाम इज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूटिंग सर्विस इन आसाम। ओके, एक ही में है, लेकिन हाँ, टेलीकॉम सर्कल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको सबका एक ही सर्कल चलता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में लेना पड़ेगा और कितने कितने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उस रेशियो में फिर आपको स्टेट वाइज बांटना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल एक्चुअली उसी चीज का दिया हुआ है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। वो ही है सब्सक्राइबर और वो का भी एडवर्टीजमेंट का पूरा क्लॉज हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा समझ में आ गया कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट के केस में एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब याद करो, हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया इंटरस्टेट सप्लाई, हमने पढ़ लिया सेक्शन 8 इंट्रा, इंटर और इंट्रा दोनों की डेफिनेशन पढ़ ली, और सेक्शन 8 के बाद ये मैंने बता दिया ये आपके सिलेबस में नहीं है, वो मैंने मार्किंग पहले ही करवा रखी है। और इसके बाद याद करो मैंने आपको टेरिटोरियल वाटर वाला क्लॉज ही बता दिया कि पानी में अगर सप्लाई होती है तो नियरेस्ट जोन पे जाना है, और टेरिटोरियल वाटर क्या होता है वो ही मैंने बता दिया, उसकी डेफिनेशन उन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे चैप्टर हो जाता है हमारा पूरा का पूरा खत्म, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर हो गया फिनिश। अब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कॉपी में तो शायद 5 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। कितने पेजेस में हो गया है? कितने पेजेस ओवरऑल लगे? 5 या 6 है ना? 7, थोड़ा फैला फैला के लिखे होंगे तो 7। और मॉड्यूल में अपन क्वेश्चन को भी छोड़ दें तो यहां तक 65 पेजेस हैं, 65 पेजेस हैं, और एक एक चीज कवर कर दी है। मतलब आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से क्या पढ़ने हैं इसके एग्जाम्पल्स, और वो भी हमने सारे ही एक बार पढ़ लिए हैं। तो आप मैगजीन रीडिंग करोगे तो आपको वैसे भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर अब मुझे बताओ आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझ में आया या नहीं आया? पिक्चर क्लियर हो गई? अब एक काम करते हैं, इसके पीछे के क्वेश्चंस करते हैं और फिर मैं आपको एक पीडीएफ से क्वेश्चंस कराना चालू करता हूँ, और वो पीडीएफ मैं आपको गूगल ड्राइव पे डाल दूंगा। पर उस पीडीएफ में मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन काटने हैं। मैंने क्या किया था, पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई का पीडीएफ तैयार करके रखा हुआ है, और मुझे बाद में जाके पता पड़ा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले क्वेश्चंस है ही नहीं, तो मैं उसमें से हटा दूंगा वो सारे क्वेश्चंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले हैं। लेकिन अभी तो मैं आपको पूरा पीडीएफ खोल देता हूं। पहले अपन एक काम करते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उस पीडीएफ से क्वेश्चन देख लेंगे। मॉड्यूल क्वेश्चंस फर्स्ट। यस, एक मिनट। फर्स्ट केस है एग्जाम क्वेश्चन 1, बहुत इजी थ्योरेटिकल केस है, पर मुझे आप बताना इसका आंसर आप दोगे कैसे। तो ना, इसमें आप राइटिंग भी सीखनी है अपने को कि लिखेंगे कैसे। एक मिनट मैं बोल दूं, पहले क्वेश्चन बोल दूं। देखो, इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड, मतलब गुड्स आर मूवमेंट है, गुड्स भेजे गए कहीं पे। अब आप इसको लिखोगे कैसे? एज पर सेक्शन 8 नहीं, अपने को उन्होंने प्लेस प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा। एक मिनट, आप ये क्यों बोल रहे हो कि इंटर है कि इंट्रा है? उन्होंने इंटर इंट्रा पूछा कि पॉज पूछा? आप लॉस पॉज क्यों जा रहे हो? आप सिर्फ पॉज बात करो ना। तो पहली बात सेक्शन 8 नहीं, सेक्शन 10 क्या लगेगा? सेक्शन 10।
एज पर सेक्शन 10, फालतू की बातें नहीं लिखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा है, इंटर इंट्रा नहीं पूछा है, ठीक है। मैं बार बार समझा चुका हूं, तुम फालतू का ज्ञान टैक्स में और जीएसटी में मत देना, समय भी खराब होगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सुनना, एज पर सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, अगर सेक्शन कोट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तीन तो सेक्शन याद करने हैं यार, 7, 8, 9, 10 और 12, पांच है, उसमें से देखा जाए तो दो तो इंटर इंट्रा के ही है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई तो दो ही सेक्शन में, 10 और 12, तो दो ही तो सेक्शन है, या तो गुड से तो 10 और सर्विस से तो, इतना तो याद रख ही सकते ना अपन, ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट क्या बोलता है, इफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट देन द लोकेशन वेयर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स, जहां पे गुड्स की डिलीवरी क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है, उसे प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। देयरफॉर व्हेन द गुड्स आर रिमूव्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर द डिलीवरी इज टर्मिनेटेड और व्हाटएवर इज द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, ऐसे करके आपको पूरा का पूरा आंसर लिखना है। अभी अगर चार लाइन में खत्म होता है तो चार में ही खत्म होगा, चाहे पांच नंबर में आ जाए, दो नंबर में आ जाए, तीन नंबर में आ जाए, जितना पूछा है उतना लिखना है। अगर ये पांच लाइन में खत्म होता है तो पांच में ही होगा, पांच नंबर का भी पूछ लेंगे तो भी आप पांच लाइन ही लिखोगे क्योंकि पूछा उतना ही है। अब ये नहीं घुसाएंगे, अच्छा अगर ये प्लेस ऑफ सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर देखेंगे, अगर ये सेम स्टेट हुआ तो इंटर, पूछा क्या, क्या पूछा, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लायर, उतना ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, What will be the place of supply if the goods are delivered by the supplier to other person on the direction of the, बता दिया, theoretical answer है, the location or registered address of that third person, बहुत बढ़िया। Next, what is the place of supply where goods or services are supplied on board a conveyance, goods or services, मतलब यहाँ दो clause लगेंगे, section 10 का अलग है और section goods के लिए अलग paragraph लिखना और services के लिए, गुड्स के लिए आप सेक्शन 10 कोट करके लिखेंगे जहां से गुड्स चढ़े हैं, गुड्स आर लोडेड ऑन ए कन्वेंस, और सर्विसेज के लिखेंगे फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द कन्वेंस, तो सेक्शन 10 है और सेक्शन 12 है। अगला, प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमोबाइल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, सपोज ए रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट्स, पहले आप बताओ ऊपर वाले के लिए क्या होगा, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती तो हम क्या लेते हैं, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर अपन ने रोड बनाया है तो मल्टीपल स्टेट को कवर करके जा रहा है, तो आप मुझे बताओ इसमें वो मल्टीपल वाला क्लॉज लग जाएगा, मल्टीपल वाले में तीन थे, होटल था, हाउस बोट था और अदर्स था, अदर्स में आ रहे थे अदर ऑल इमोबाइल प्रॉपर्टी जो एक से ज्यादा स्टेट में हो, क्या लिया था उसके लिए एरिया कवर्ड, तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि व्हेन ए रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट, आपको क्लॉज लगेगा मोर देन वन स्टेट वाला, एंड देयर इज नथिंग गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट, नहीं बताया कौन से स्टेट का कितना रोड है, तो हम जाएंगे एरिया ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी में और रेशियो लेंगे उसे बांटने का एरिया ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी, तो जितने स्टेट्स आ रहे होंगे अलग अलग इन्वॉइस के अंदर अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, तो जितने स्टेट होंगे उतने फिर आपको इन्वॉइस जनरेट करने पड़ेंगे। इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, देखो इतना ही है, देखो वेयर द इमोबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज ट्रीटेड एज made in each of the state the proportion of the value for which the services separately collected in terms of the contractor agreement. पहले तो क्या लेते हैं, contractor agreement में क्या लिखा है, पर अगर आगे लिखना है in absence of any contractor agreement, अगर कोई contractor agreement नहीं है और उसका absence है तो उस केस में the proportion value of the services supplied in different state is computed on the basis of the area of the immovable property lying in each state. Rule number याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने पढ़ा ना ये place of supply rule में दिया हुआ है, लेकिन अपने को ये rule number नहीं याद रखना, section 10 और section 12 quote कर देना वही बहुत है, immovable property कौन से section से चलता है, section 12, सब सेक्शन तक भी जाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 12 ओनली। चलते हैं अगला, पांचवा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन स्पोर्ट्स इवेंट फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट्स, क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इवेंट्स इन ईच स्टेट, वैसे तो बोला है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाओ, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इवेंट्स लिखवाया हुआ है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, What is the place of supply by transportation of goods? Both the supplier and recipient of the services are located in India. दोनों इंडिया में है। आपको बताना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होगा, दोनों लिखना पड़ेगा, बी टू बी है कि बी टू
अगर बी टू बी है तो एल ओ आर, और बी टू सी है तो जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए गए, वो पूरा क्लॉज लिखना है जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए। मतलब देखा जाए तो इन्होंने अपने को जो क्वेश्चन बैंक दिया है सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। सर तो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तो होंगे। अब मैं, मेरे को मेरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, एक मिनट देना, मैं पुराना एक प्लेस ऑफ सप्लाई मैंने पहले फाइनल में पढ़ाया हुआ है वहां पे मेरे पास पीडीएफ बनी हुई है, मैं वहां से निकालता हूँ, मेरे को देना एक मिनट बस। ये तो अपन ने ही पढ़ा ना, अच्छा यहाँ पे है, मेरे पास ड्राइव में है, मैं ड्राइव से डाउनलोड कर लेता हूँ। सी एम ए के, अब देखो इजी चैप्टर है यार, पता है बढ़ा दिया कोर्स, अच्छा किया जीएसटी का बढ़ा दिया, बढ़ाया भी ऐसे चैप्टर जो इजीली याद हो गया, और एक और जो बढ़ाया वो तो और इजी है, 1 घंटे का टॉपिक एक और जो बढ़ाया है वो सिर्फ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स करके, और एक और टॉपिक बढ़ाया वो भी 1 घंटे का, टीडीएस एंड टीसीएस, वो अच्छा है। तो 3 चैप्टर बढ़ाए हैं आपके जीएसटी के मॉड्यूल में 10 नंबर के वेटेज के लिए, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे बड़ा टॉपिक था, सबसे बड़ा टॉपिक यही था प्लेस ऑफ सप्लाई जो बढ़ाया है। ठीक है, अब अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस जो पढ़ा है वो इनकम टैक्स का पढ़ाया है, अपन जीएसटी का पढ़ेंगे, जीएसटी का अलग है इनकम टैक्स का अलग है। ठीक है चले, इसमें मिलेंगे क्वेश्चंस अपने को कुछ, ये सारा तो पूरा थियरी है, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम्पल के बाद, ये रहा। अब देखो इसमें से मैं क्या करूंगा, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको हटा के आपको दे दूंगा, लेकिन पहले देखो। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, आपको बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर कर्नाटक है, गुड्स की डिलीवरी की है आपने आंध्र प्रदेश में। पहले बताओ अगर कर्नाटक के लोकेशन ऑफ सप्लायर और गुड्स की डिलीवरी आंध्र प्रदेश में कर रहे हो, पहले बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आंध्र प्रदेश, और एलओएस क्या है, कर्नाटक। तो पहले बताओ इंट्रा की इंटर, इंटर, तो कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। समझ में नहीं आया, लॉस कहाँ हो गया, कर्नाटक का लॉस दिया नहीं, पर ये बोला गुड्स की डिलीवरी आंध्र प्रदेश में करनी है, तो बताओ अपने आप सेक्शन 10 क्या बोलता है, जहां पे गुड्स की डिलीवरी हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। मुझे बताओ प्लेस ऑफ लॉस फाइनल कर लो, पहले बताओ लॉस क्या है, लॉस क्या है, पहले बताओ लॉस क्या है, लॉस है कर्नाटक। तो पहले तो अपन यहां पे लिख देते कि भैया लॉस क्या हो गया हमारा, कर्नाटक। पॉस नहीं दिया, पर ये पता है कि पॉस डिलीवरी ऑफ गुड्स ही होता है, तो पॉस क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। तो अब बताओ लॉस क्या है, कर्नाटक, पॉस क्या है, आंध्र प्रदेश। तो पहले बताओ आपका नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंटर, और क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। दूसरा, लॉस है कर्नाटक, गुड्स की डिलीवरी भी कर्नाटक में ही करी है, तो पहले बताओ आपका पॉस क्या होगा, कर्नाटक। अब लॉस भी कर्नाटक और पॉस भी, तो क्या हो जाएगा, लोकल, क्या चार्ज करेंगे, ये तो मैं बता चुका था आपको सेक्शन 7 के अंदर और 8 के अंदर ही, कब इंटर होगा और कब इंट्रा होगा। अब कुछ डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई जब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व हो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जब इंपोर्ट हो, वो करना ही नहीं अपने को, ये वाला तो अपने को कट करना पड़ेगा क्वेश्चन। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 12 से चलेगा, ये सब थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकल पे आते हैं अपन, प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, एग्जाम्पल्स भी दे रखे मैंने और, ठीक है प्रैक्टिकल पे आते हैं अपन, प्रैक्टिकल है पीछे, यहां से प्रैक्टिकल है। चलो प्रैक्टिकल एंड केस स्टडी बेस, पहला ये पीडीएफ में क्वेश्चन कट करके आप लोगों को पूरी दे दूंगा, तो आप वापस रिवाइज भी कर लेना उसको एक बार, क्वेश्चंस बहुत इजी है। लेकिन क्वेश्चन है पहला,
सप्लायर की फैक्ट्री है जहां से गुड्स निकला है उड़ीसा में और गुड्स की डिलीवरी हो रही है आसाम में। आप पहला केस बताओ, आपका आपका पहले प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा फर्स्ट केस में? आसाम। और टैक्स पेबल IGST, क्योंकि इंटर है तो क्या हो जाएगा IGST। आपका उड़ीसा लॉस है और आपका बॉस हो गया आसाम, तो ये क्या लग जाएगा IGST। दूसरा उड़ीसा, उड़ीसा क्या हो जाएगा पहले तो बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा उड़ीसा? CGST SGST, बहुत बढ़िया। केरला गोवा, ऑफकोर्स गोवा IGST। केरला केरला लोकल सप्लाई क्या मानेंगे, CGST और SGST। बहुत बढ़िया, फर्स्ट केस में आसाम, उड़ीसा, गोवा और केरला, IGST CGST IGST SGST। डन, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है राजस्थान में जिनका बिजनेस है जयपुर में। आज मिस्टर जेड ऑफ मुंबई टू डिलीवर 20 लैपटॉप टू हिज बायर मिस्टर वाई एट इंदौर। बंदा कहाँ का है? जयपुर का। किसको बोला? मुंबई वाले को कि 20 लैपटॉप कहाँ डिलीवर करते? इंदौर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जयपुर। थर्ड पर्सन का रजिस्टर्ड है, अरे नहीं, गुड्स गुड्स, सेक्शन 10, सेक्शन 10, थर्ड पर्सन की लोकेशन। मेरे बोलने पे मुंबई से माल जयपुर इंदौर गया, मैं कहाँ पे रहता हूँ? जयपुर। थर्ड पर्सन की लोकेशन चलेगी ना, तो इसका फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जयपुर। और यहाँ पे फिर IGST लगेगा क्योंकि मुंबई से बिल जयपुर बन के आएगा, तो ऑफकोर्स ये इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। और क्या लगेगा इस केस में? IGST। जी जी नेक्स्ट, मिस्टर ए है न्यू दिल्ली के, उन्होंने मशीन लीज पे दी है 8 लाख की नोएडा को, नोएडा वाले बंदे को, ठीक है, मशीन दी है, मंथली रेंट था 40,000। 14 महीने बाद बी ने रिक्वेस्ट किया कि मशीन जो यहां है मेरे पास वो मुझे ही बेच दे। मशीन कहाँ है? मशीन कहाँ है? मशीन कहाँ है? नोएडा। नोएडा का बंदा है तो मानेंगे मशीन भी कहां पड़ी है? नोएडा में। तो भैया मशीन हिली क्या? नहीं, लेकिन मशीन जहां थी वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी नोएडा ही हो जाएगा। एक नंबर, क्या बात है। अगला, एक्स जेड मुंबई ने एक नई ब्रांच खरी खरी नई नई ब्रांच खड़ी की है हरियाणा में। उसने बिल्डिंग के ऑफिस के लिए बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, हो गया था क्या? अच्छा, ऑफिस फर्नीचर वाला है, एक एग्जाम्पल करवा चुका हूं मैं, एग्जाम्पल करवा चुका, ऑफिस फर्नीचर वाला है। ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया, रिफाइनरी वाला हो गया था। यस नेक्स्ट, आप सुनो मिस्टर, आपको ना यहाँ पे LOR बताना है क्या होगा। LOR लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट बतानी है, मतलब वाली डेफिनेशन देखनी है, रजिस्टर्ड प्लेस, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, कुछ भी नहीं हो तो रेसिडेंस, याद है? थियोरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। अगला, मिस्टर ए है मुंबई के जो ऊटी गए वेकेशन पे, उन्होंने वहां से मोबाइल खरीदा ऊटी से, बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? डिलीवरी तो कहीं हो नहीं रही है, बंदा वहीं ले रहा है वहीं से ही, तो सामान कहाँ पड़ा है? ऊटी में, तो वहीं की वहीं मूवमेंट कहाँ है? आप आए और आप मुझसे दुकान से मोबाइल ले गए, तो अल्टीमेटली मेरी सेल कहाँ हो गई? यहीं की यहीं। क्या मुझे डिलीवरी करनी पड़ी? नहीं, तो जहाँ गुड्स थे वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? ऊटी, जहाँ पे गुड्स थे। अब वो बंदा आगे कहाँ ले जा रहा है? प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, मेरी दुकान पे एक आदमी है और मेरे को बोला मोबाइल चाहिए, मैंने उसको मोबाइल दिया, तो मैं क्यों मानूंगा क्यों कहीं और स्टेट में ले जा रहा होगा? मैं तो मानूंगा जहां से मोबाइल ले गया वही है, मुझे थोड़ी पता है कि वो यहां से आगे मोबाइल कहाँ ले जाएगा। तो मुझे तो बिल अभी बनाना है ना, तो बिल में कौन सा बना के दूंगा? लोकल, क्योंकि डिलीवरी मैंने उसको यहीं की यहीं दे दी। या तो मुझे बताता कि मेरा GST नंबर ये है, मैं यहां का रहने वाला हूं, तो मैं फिर उसको इंटर स्टेट मानता है बोल के कि तू दूसरे स्टेट में ले जाएगा। भाई मैंने ना तो तेरे से एड्रेस पूछा, ना मैंने तेरे से तेरी लोकेशन पूछी, क्योंकि B2C था, तो मैंने तुझे मोबाइल एड्रेस आया और दे दिया, तो ऑफकोर्स यही लोकेशन हो जाएगी ना, क्योंकि कोई गुड्स का मूवमेंट हुआ ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला, मिस्टर ए है हरियाणा के जिनका गोडाउन है जयपुर में, उन्होंने महाराष्ट्र को अप्रोच किया और गुड्स कहाँ पड़े हैं? गोडाउन जयपुर में, और बोला कि मैं डिलीवरी जयपुर में ले लूंगा, ठीक है। क्या देखो, मैंने ये बोला कि मैं जयपुर में हूं, मतलब आदमी कहाँ का है? बॉम्बे का। उसका माल कहाँ पड़ा है और मैं भी कहाँ का रहने वाला हूं? मैंने बोला आपका माल जयपुर में है क्या? हाँ, मेरे गोडाउन में, एक काम कर वहीं से उठा ले। तो आपका माल जयपुर में है, लेकिन वो आदमी बिलिंग कहाँ से करेगा?
कहां से करेगा? अब देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो लोकेशन तो जहां माल पड़ा है वहीं आ जाएगा, डिलीवरी नहीं है। तो भैया लोकेशन पॉज तो क्या हो गया अपना, जयपुर। अब वो आदमी सप्लायर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो अच्छा, वो तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? जयपुर। अगर आदमी महाराष्ट्र का है तो फिर वो आईजीएसटी का बिल बना के दे देगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मिस्टर ए है मुंबई के, ये एक्सपोर्ट वाला केस आ गया, सेज वाला केस आ गया, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एक्सपोर्ट का केस है, सेज। मिस्टर ए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये अब सर्विस चालू हो गई। क्या चालू हो गई? सर्विस। मिस्टर ए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहाँ पे रजिस्टर्ड है? कर लिया था एग्जाम्पल, हो गया था एग्जाम्पल के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला हो गया था। अच्छा ये देखते हैं, केटीएस बिल्डर है, उन्होंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है कोलकाता में, नहीं, केटीएस बिल्डर है मुंबई के, उन्होंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी कोलकाता की कंपनी के लिए, लेकिन बिल्डिंग न्यू दिल्ली में है। मैंने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है, बिल्डिंग न्यू दिल्ली में, बिल्डिंग न्यू दिल्ली में, सेक्शन 12 इमोबाइल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन। प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है? प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। अगला, शाह एंड शाह एक आर्किटेक्ट फर्म है, ये कर लिया था क्या एग्जाम्पल? ये सारे मॉड्यूल के एग्जाम्पल मैंने इसमें दे रखे हैं। अगला, ये भी हो गया था क्या? हो गया था, डाइनिन वाला हो गया था, ये लिंग्विस्टिक क्लासेस वाला भी हो गया था, ये सारे एग्जाम्पल भी हो गए। आगे देखते हैं, ये मेगा इवेंट भी हो गया क्या? ये भी हो गया था, बहुत बढ़िया। ये पुणे वाला हो गया था क्या? ये भी हो गया था, नहीं, सच्चाई बताना सच्चा। हाँ, बरेली यूपी वाला हो गया था ना, ये भी हो गया था। अच्छा ये भी हो गया, अगला बताओ। ये नहीं हुआ, ये एयरजेट हो गया था, एयरजेट वाला भी हो गया था क्या? हाँ, हैसल फ्री कम्यूट, ये भी एग्जाम्पल हो गया था, बहुत बढ़िया। आगे, ये जमशेदपुर वाला थोड़ी हुआ, नहीं हुआ। देखो, मिस्टर ए है जमशेदपुर के, उन्होंने अवेल किए सर्विसेज मुंबई ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये हाउस कोलकाता में है और मुंबई हो गया था शायद। अच्छा दूसरा हुआ था इसका, पढ़ लेते हैं इसको। जमशेदपुर है, उन्होंने सर्विसेज अवेल की मुंबई ट्रांसपोर्ट कंपनी की मुंबई से, और उनका घर है कहाँ पे? कोलकाता से, मतलब उनको कोटा से बॉम्बे सामान भेजना है। आप मुझे बताओ, ट्रांसपोर्ट कंपनी मुंबई की है पर माल हैंडओवर कहाँ होगा? B2B है कि B2C है? B2C है, हाउस हाउस घरेलू सामान है, B2C है। कहां से कहां ट्रांसफर होगा? कोटा से मुंबई, तो गुड्स हैंडओवर कहां करूंगा? कोटा में। अबे कोटा से मुंबई जा रहा है तो गुड्स हैंडओवर कहां करूंगा? मुंबई में जाए करूंगा क्या? कोटा में करूंगा ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? कोटा। तो कंपनी है मुंबई की और आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कोटा का है, तो इंटरस्टेट हो गया। यस, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? कोटा। आगे देखो, पटना वाला नहीं हुआ ना अभी? नहीं हुआ। मिस्टर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है पटना के, जो ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया से कोची टू दिल्ली, और उन्होंने इनका ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है कोची में। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? व्हाट विल द प्लेस ऑफ? हेलो, आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से। ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, ये इंश्योरेंस सर्विस है। इंश्योरेंस में हमेशा क्या लेते हैं? LOR इन रिकॉर्ड्स। तो उनका रेसिडेंस कहाँ है? पटना में। तो अपने आप आपका पटना ही प्लेस कंफ्यूज में तो है ना, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, ये कौन सी सर्विस है? इंश्योरेंस। अगला, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है, जर्मनी से US से, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला है, सेक्शन 13 है, ये भी सेक्शन 13 है, सेक्शन 13, सेक्शन 13 हो गए। जितने क्वेश्चन मेरे पास थे ऑलमोस्ट वो भी सारे हो गए। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई विथ ऑल क्वेश्चंस, विथ प्रॉपर नोट्स इन योर कॉपी, विथ ऑल मॉड्यूल एग्जाम्पल, विथ ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस, डन डन डन। तो हम मिलते हैं कल, और कल से विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर, जिसका एक एलिमेंट हमने पढ़ा हुआ है। आज का आपका होमवर्क क्या है मैं बता दूं, हम चालू कर रहे हैं नया चैप्टर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, सेक्शन नंबर 22। आपका आज का टास्क यही है कि आपको कल सेक्शन 22 गल से रिवाइज करके आना है, तो हम कल सेक्शन 23 से चालू कर पाएंगे। तो लिख लो हाथ पे, लिख लो कॉपी में, क्या पढ़ के आना है घर से कल? सेक्शन 22। थैंक यू।